अमेजन कोच चैनल पे आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम डिफरेंशिएशन का लास्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके सामने, ट्रिक 6। और मैं गारंटी देता हूं कि इस ट्रिक को अगर आपने ढंग से सुन लिया, बातें ढंग से समझ ली, तो 15 बड़े बड़े क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर दोगे। आप देखो इस बोर्ड पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको दिखाई देगा। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अब सोचोगे कि यहाँ तो सर ने बहुत छोटा स्पेस लिया है, कैसे सॉल्व होगा? इतना ही स्पेस में ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। मतलब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं इतना बेहतरीन लगेगा अगर इसके इसकी खासियत तुमने समझ लिया, इसको अप्लाई करना सीख लिया, तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और फंसने का चांस होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो होगा। इससे पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने आपको क्या पढ़ाया कि अगर पैरामेट्रिक फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो हमें क्या करना चाहिए। आप देखिए इसका लेक्चर हमने डाल रखा है, वीडियो बना के डाल रखा है यूट्यूब पे। फिर पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ट्रिक फाइव में, बहुत वो भी बहुत बेहतरीन था। उसमें बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन आ जाए, कॉस आ जाए, साइन प्लस कॉस आ जाए, या कोई पॉलिनोमियल आ जाए, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। अक्सर क्या होता है, बच्चे कैसे प्रूफ करते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, जैसे वाई टू आपको चाहिए, वाई वन चाहिए, वाई टू मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दो ऑर्डर का डेरिवेटिव, वाई वन मतलब एक ऑर्डर का डेरिवेटिव वाई, इसमें से बच्चे स्टूडेंट्स निकालेंगे। बच्चा लोग क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सांड रूल यूज करता है। सांड रूल किसको बोलते हैं, LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, वाई वन डाल दिया, वाई टू डाल दिया, वाई डाल दिया, और डालने के बाद जब कैलकुलेशन का दौर शुरू होता है, एक जगह कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ी हो गई, आप क्वेश्चन प्रूव नहीं कर पाओगे, तो बच्चे जबरदस्ती उसको जीरो तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं जो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं उसमें आपको LHS लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना प्रूफ करना है अपने आप हो जाएगा। 3 क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया कि कंपेयर करके दिखाऊं कि तीनों के सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। ध्यान से देखना है, जरूर सीखोगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हायर ऑर्डर के लिए मैं बता रहा हूं कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्या जो पिछली क्लास में भी बोला था, पिछले लेक्चर में भी बोला था, फर्स्ट डेरिवेटिव नॉर्मल होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव को क्वेश्चेंट रूल से बचाना है, सेकेंड डेरिवेटिव को क्वेश्चेंट रूल से बचाना है। इस ट्रिक की खासियत क्या होगी, कंपेयर करने के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, अब प्रूफ मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू साइन 1/m log y। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल नहीं होगा, इसमें चेन लगाना पड़ेगा और अजीबोगरीब टर्म्स आएंगे जो दूर दूर तक आपको प्रूफ वाले पार्ट्स में दिखेंगे नहीं। सिंपल कैसे बनाया जाएगा, तो पहले साइन को हटा दीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन हटेगा साइन इनवर्स बनेगा 1/m log y, ठीक है श्रेया। अब m को यहां से हम जब हटाएंगे तो m भी यहां इनटू में आ जाएगा, नहीं m साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया log y, या आप इसको लिखोगे log y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x। यहां से डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि ना कोई चेन लगना है, ना प्रोडक्ट रूल लगना है, और ना ही क्वेश्चन रूल लगना है। आपको इतना जरूर पता होगा बच्चों कि y2 हम किसको बोलते हैं, y2 बोलते हैं d2y/dx² को, y1 किसको बोलते हैं, dy/dx को बोलते हैं। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का होगा 1/y इनटू में dy/dx, और m कांस्टेंट हो गया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 − x², ये तो डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। अब हमने क्या बताया, अब दोबारा अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्वेश्चेंट रूल से बचना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जो कुछ भी दिखता है उसको हटाओ। ये कैसे हटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इससे इनटू और वाई का इनटू एम से, जब इनटू करोगे तो ये बन जाएगा 1 − x² इनटू में वाई वन इज इक्वल टू एम इनटू वाई। अभी फिलहाल मैं इसको यहां पर रोक रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात इसके बाद ही समझानी है। अब ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मल ऑलरेडी नॉर्मल दिया है, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ आपको मैं बता रहा हूं,
लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई वन, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला याद होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये नीचे से इन दोनों चीजों को हटानी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लाओ इधर इंटू में वाई वन के साथ और वाई को ले जाओ दूसरी तरफ, इसे भी थोड़ा सा कर देते हैं। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रूफ देखिए, इसका y का डेरिवेटिव y1 हो गया, यहां ब्रैकेट का रूल लगेगा, गांधी के चार बंदर, जब मैंने चेन रूल आपको पढ़ाया था तो गांधी के चार बंदर बापू रूल समझाया था, उसमें ब्रैकेट का रूल आप देख सकते हो, ये भी YouTube पे डला हुआ है। यहां पे क्या करोगे, पावर आगे आएगा 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो, अगर ट्रिक फर्स्ट याद है, पहला ट्रिक जब चेन रूल पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि लॉग के कंपोनेंट में अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है और इसके स्क्वायर का वेरिएबल पार्ट रूट के अंदर आ जाए, प्लस माइनस में कुछ भी हो, तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव 1 अपॉन इतना होता है। आप अगर जानते हो तो इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। अगर नहीं जानते तो ट्रिक फर्स्ट आप ढूंढोगे, डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट ढूंढोगे, उसमें ट्रिक फर्स्ट ढूंढोगे, आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन रूल यहां भी बचाना है, क्योंकि आगे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का y2 बनेगा और डबल डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल को बचाना है। तो क्या करोगे, इसे उठा के ले आओ इसके साथ इंटू में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने तीनों क्वेश्चन का कर दिया। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, यही इस ट्रिक की खासियत है, मेन खासियत है जो अब बोलने जा रहा हूं। अब तक मैंने क्या बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव को नॉर्मल बनाओ, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी से करते हो तो भी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, आरडी से करोगे कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छी प्रैक्टिस के लिए अगर मान लो आरडी ले लो या किसी और राइटर की बुक लेते हो तो कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को जो बच्चे डेढ़ पेज में करते हैं, मर मर के करते हैं, उन्हें आप बहुत कम स्टेप में कर दोगे और ये चीजें अपने आप प्रूव हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरी बात सुनते रहो और मेरी बातों को याद रखो। इसके बाद डबल डेरिवेटिव करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम स्क्वायरिंग करें या ना करें, स्क्वायरिंग करें या ना करें, ये काम नया होने जा रहा है, अब तक डिफरेंशिएशन में कभी नहीं हुआ, कब स्क्वायरिंग करना है और कब नहीं करना है ये ध्यान देना। इसमें जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई वन, एम और वाई, इनमें से किसी का भी स्क्वायर अगर प्रूफ वाले पार्ट में आपको दिख गया तो स्क्वायरिंग करना है, और अगर किसी का भी स्क्वायर प्रूफ वाले पार्ट में नहीं दिखा तो आपको स्क्वायरिंग नहीं करना है। यहां देखिए और यहां देखिए, प्रूफ वाले पार्ट को देखिए और ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसको देखिए, और डिसाइड करके बताइए कि स्क्वायरिंग करना है या नहीं करना है। बिल्कुल सही आंसर उदय बाबू, एम का भी स्क्वायर दिख रहा है और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर दिख रहा है, यानी यहां स्क्वायरिंग करना है। चलो ठीक है, तो एक बार इसे देखो और इसके प्रूफ वाले पार्ट को देखो और ये बताओ कि क्या इसमें स्क्वायरिंग करना है, नहीं करना, क्योंकि इसका स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, y का स्क्वायर भी नहीं दिख रहा और y1 का स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, यानी यहां स्क्वायरिंग नहीं करना है। एक बार इसको देखो और प्रूफ वाले पार्ट को देखो और ये देखो और बताओ कि स्क्वायरिंग करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, यानी हमें स्क्वायरिंग करना है। तो इन दोनों में स्क्वायरिंग करना है, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करना, क्यों करना है लॉजिक मैंने बता दिया। ठीक है, अब सोच रहे होगे कि सर जब स्क्वायरिंग में दोनों में करना है तो एक ही लेते, दो दो क्वेश्चन लेने की क्या जरूरत है। इस क्वेश्चन की एक और छोटी सी खासियत है वो बताऊंगा। अब यहां स्क्वायरिंग नहीं करना है, आप प्रूफ डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, पहले इसी को प्रूफ करते हैं। यहां से हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाइए,
क्या होता है प्रोडक्ट रूल, 1 + x² को आप बाहर रखोगे, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 को बाहर रखोगे, 1 + x² का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव क्या हो गया y1। ध्यान से देखो प्रूव हो चुका है, अगर इन दोनों में से हम y1 कॉमन करते हैं ये बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, जैसे ही y1 कॉमन करेंगे 2x माइनस y 1y1 बनेगा और तीन स्टेप में प्रूव हो गया। यानी आपको क्या मिला, 1 + x² इंटू y2 प्लस इन दोनों में से y1 कॉमन करेंगे 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर 0 और ये हो गया प्रूव्ड। खुश रहो, अगर वही लेफ्ट हैंड साइड लेते इसमें y1 डालते, ये y1 का वैल्यू यहां से निकालते, y ऊपर जाता फिर y2 डालते, हालत खराब हो जाती, पेज पूरा भर देते और हो सकता है कि प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ी होती और फंस जाते। और देखो हमने कितना आसानी से इसको प्रूव कर दिया और आप भी ऐसे कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने बताया क्या था, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है और एक्सप्लेन्ड फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो और इसके फायदे उठाओ। और ये शोध किया हुआ ट्रिक है, कई सारे क्वेश्चंस पे इसको हम शोध कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। यहां देखो मैंने ये बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंपल बनाइए, डबल डेरिवेटिव करने से पहले क्वेश्चन रूल से क्वेश्चन को बचाइए। ये किन क्वेश्चंस के लिए, पैरामेट्रिक फंक्शन को छोड़ दो, ट्रिक 5 को छोड़ दो, बाकी जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस में, हायर ऑर्डर के उन सभी क्वेश्चंस में, एक्सेप्शन के तौर पे एकाद अगर क्वेश्चन ऐसा मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज उन सभी क्वेश्चंस में इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे स्क्वायरिंग करना है, हमने स्क्वायरिंग कर दिया, क्यों स्क्वायरिंग करना है, थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया था कि इसका भी स्क्वायर दिख रहा है प्रूफ वाले पार्ट में और एम का भी स्क्वायर दिख रहा है। आप जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से रूट हट गया, ये बन गया 1 - x², y1 का स्क्वायर करेंगे और दूसरी तरफ m² y² बनेगा। अब जब यहां से हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अब नई बात एक और सुन लो, पत्ते की बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्क्वायरिंग करने के बाद जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे जितने भी टर्म्स बनेंगे हर एक टर्म में से 2dy/dx अपने आप कॉमन होके कटेगा, ये 150% श्योर है। स्क्वायरिंग करने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करोगे जितने अलग अलग टर्म्स बनेंगे उन सभी टर्म्स में से 2dy/dx कॉमन होके कट जाएगा और कॉमन होके जैसे ही कटेगा ये प्रूफ वाला पार्ट खुद अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको यहां, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, लगाइए प्रोडक्ट रूल, 1 - x² को बाहर छोड़ा, y1² का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 × y1 और इंटू में y1 का क्या हो जाएगा y2 प्लस y1² को हमने बाहर छोड़ दिया, 1 - x² का डेरिवेटिव करोगे, 1 का 0 हो गया, x² का हो गया 2x, बाहर माइनस है माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू m² कांस्टेंट है बाहर छोड़ दो, y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, अब फिर y का हो गया dy/dx यानी y1। नजर उठा के देखो अभी 2 मिनट पहले जो बात मैंने बोली थी सच बोली थी या झूठ बोली थी, 2y1 इसमें भी है, 2 और y1 इसमें भी है और 2 और y1 इसमें भी है, तो तीनों में से 2y1 कॉमन होके कट गया, कटने के बाद जो बचा उसको लिखो, यहां क्या बचा 1 - x² इंटू में y2 बच गया, यहां क्या बचा ± x बच गया, 2 जा चुका है y1 जा चुका है y1 बच गया, इज इक्वल टू यहां क्या बचा 2 और y1 जा चुका है m² y बच गया। देखो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, अरे इस m² y को जब बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रूव हो गया। बताओ कैसा लगा ये मेथड, अगर अच्छा लगा हो तो पीछे भी जो वीडियोज मैंने बताए हैं उनमें देखिए, 6 ट्रिक टोटल आपको मिलेंगे और उस 6 ट्रिक से आप पूरी डिफ्रेंसिएशन पे कमांड कर सकते हैं। एक पहले तो आप गांधी के 4 बंदर को पढ़िए और मेरे 6 ट्रिक देखिए, आप पूरी डिफ्रेंसिएशन आराम से करेंगे और ऐसी स्टाइल में करेंगे जिस स्टाइल में कम ही बच्चे कर पाते हैं,
अब देखिए ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया था, इस क्वेश्चन के शुरुआत में आप देखिए यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग तो करेंगे ही क्योंकि इसका होल स्क्वायर हमें प्रूफ वाले पार्ट में मिल रहा है, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे, लो स्क्वायरिंग हमने कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू टू का स्क्वायर हो गया फोर, और इस पूरे का होल स्क्वायर यानी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इसमें भी डिफ्रेंशिएट करने के बाद टू डिवाइड बाई डी एक्स कटेगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही स्क्वायर था तो आपको करना क्या है कि ये चीज दोबारा बन रहा है, ध्यान से देखो इसकी जगह पे y डालना है। ये बात मैंने पांचवी ट्रिक में बताई थी कि अगर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव के बाद y या y1 बने, उनके वैल्यूज जरूर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहां y डालने के बाद करो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई मिल गया। अब डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हर टर्म में से 2 डिवाइड बाय dx अपने आप कट जाएगा और ये प्रूफ वाला पार्ट तुम्हारे सामने होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें ला के वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए यहां प्रोडक्ट रूल जब हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर छोड़ा, वाई वन का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टू वाई वन, और फिर वाई वन का वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया इज इक्वल टू फोर वाई का डेरिवेटिव फोर इंटू वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई वन होगा। नजर उठा के देखो, टू वाई वन यहां भी कट रहा है, टू वाई वन यहां भी कट रहा है, और टू वाई वन यहां भी कट रहा है, और कटने के बाद क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू वाई वन कट गया तो वाई टू प्लस टू कट गया एक्स बच गया, y1 कट गया y1 बच गया इज इक्वल टू टू वाई वन कट गया क्या बच गया टू बच गया, और ये प्रूव हो गया। इस तरीके से आप प्रूव करोगे। हमारे कैमरामैन बोल रहे थे कि सर इतने बड़े बड़े तीन क्वेश्चन आप इतना ही दूर में कैसे कर दोगे, मैंने बोला कमाल तो देखो, कमाल अभी दिखा रहा हूं कि छठे ट्रिक का कमाल क्या है। तो बेटा जितने भी पैरामेट्रिक फंक्शन को छोड़ दीजिए, ट्रिक फाइव में जो एक्सपोनेंशियल वाला बताया था उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको स्पेशल प्रॉब्लम बताएंगे, अब तक जितनी भी बातें मैंने बताई कि वाई बने वाई बना दो, वाई वन बने वाई वन बना दो, स्क्वायरिंग करो टू डी वाई डी एक्स कटेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें ये सारी चीजें यूज होंगी और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इंतजार कीजिए। ये टॉपिक एंड होने जा रहा है, हम इसके स्पेशल प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं आपके सामने अगले लेक्चर में।